दोस्तों हमारी पृथ्वी एक ऐसा स्वर्ग है जहां लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के वन अपने और अपने विस्तार करने के लिए बहुत आयात में मौजूद है। यहां अनेकों प्रकार के जीव जंतु और समुद्री जीव रहते हैं और इसकी संख्या का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। दुनिया में जितने तरह के जानवर मौजूद है उनका एक बड़ा भाग आज तक खोजा ही नहीं गया है और इसी कारण समय समय पर कुछ मिस्टीरियस जानवरों को देखे जाने की खबरें सुर्खियां बन जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद इंसान का उत्सुकता और उसकी खोज के चलते ऐसे जानवर भी अस्तित्व में आ गए हैं जिन्हें प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें विज्ञान का जीता जागता आविष्कार कहना गलत नहीं होगा। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम लिखिए और आप देख रहे हैं ARS ग्लोबल इन्फो। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हाइब्रिड जानवरों के बारे में। द कैमा। कैमा एक ऐसा हाइब्रिड है जिसे कैमल यानी कि ऊंट और लामा के DNA के मिश्रण से तैयार किया गया है। हालांकि ऊंट और लामा आकार में बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के मिश्रण से तैयार ये जानवर वाकई बेहद दिलचस्प है। इस हाइब्रिड प्रजाति को सबसे पहले 14 जनवरी 1998 में दुबई में तैयार किया गया था, जिसका मूल मकसद लामा की एक ऐसी प्रजाति को विकसित करना था जिससे और भी अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त किया जा सके। दलाइगर। नर्सिंग और मादा के DNA के मिश्रण से तैयार किया गया ये जीव दुनिया में बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे बड़ी बिल्ली है। इनका वजन 400 किलो तक हो सकता है। इस प्रजाति की सबसे बड़ी बिल्ली का नाम है हरक्लिस, जिसका वजन 410 किलो है। लाइगर नाम के इस प्रजाति को संरक्षण में रखा गया है क्योंकि इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि बिल्लियों की ये प्रजाति सबसे ज्यादा स्ट्रांग, आक्रामक और तेज है। इन्हें संरक्षण से बाहर रखना जंगल के बाकी जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। द जैगलियन। नर तेंदुआ और मादा सिंह के मिश्रण से बना यह जीव देखने में किसी फैंटेसी मूवी की रचना जैसा लगता है। देखने में ये जीव जितना सुंदर और अद्भुत है उतना ही फितरत से उग्र और बेहद तेज रफ्तार है। कनाडा की वाइल्डलाइफ सेंचुरी के संरक्षण में बनाई गई इस नई प्रजाति की कुल जनसंख्या फिलहाल 2 है, लेकिन क्या भविष्य में हम इस प्रजाति को और करीब से देख पाएंगे, तो ये वाकई में एक दिलचस्प कल्पना है। द जॉनकी। जॉनकी नाम की ये मानव निर्मित प्रजाति जॉनकी यानी गधे और जेब्रा का एक मिश्रित रूप है जिसे साइंस लैब में तैयार किया गया है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं करती। साइंस और वैज्ञानिकों की नई प्रजातियों की जन्म देने की ये होड़ आज ऐसे ऐसे करिश्मों को जन्म दे रही है जिनकी कभी कल्पना करना बेहद मुश्किल था। डजू। इस वीडियो में बताए गए सभी जानवरों में ये एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत आयात में पाई जाती है और इसका नाम है डजू, जिसे एक विशेष दुधारू गाय और याक के मेल से सबसे पहले साइंस लैब में बनाया गया था। लेकिन इस प्रजाति के फायदे के मद्देनजर इसका पालन बढ़ गया और ये एक फलती फुलती प्रजाति बन गई। इस प्रजाति की विशेषता ये है कि ये बेहद अधिक मात्रा में दूध देती है और इनके विशालकाय आकार के कारण इनसे अधिक मात्रा में मांस भी प्राप्त किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा दो अलग अलग जानवरों के जीन से नए नए प्रजातियों को विकसित करना कितना सही है या कितना गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भविष्य में इन नए नए प्रजातियों को देखने का मौका मिला तो आपका क्या रिएक्शन होगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।